खबर पीलीभीत जनपद से, जहां एक अनोखी शादी होने का मामला सामने आया है। जी हां, एक लड़का 4 घंटे की पैरोल पर जेल से छूट कर आता है और अपने मंगेतर से शादी कर फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। मामला तकरीबन 4 महीने पुराना है, जब शहर कोतवाली में सोनम नाम की एक लड़की ने तहरीर दी कि उसके साथ शादी के नाम पर शोषण किया गया। उसके बाद लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 376 का मुकदमा दर्ज किया और लड़के को पकड़कर जेल भेज दिया। आपको बताते चले कि 24 वर्षीय सोनम नाम की लड़की का विवाह निगोही शाहजहांपुर के रहने वाले अमित कुमार के साथ तय हुआ था। किसी बात को लेकर अमित कुमार और सोनम में न बनी तो अमित ने शादी से इनकार कर दिया, तो सोनम ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर अमित के खिलाफ धोखाधड़ी और शारीरिक शोषण का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके चलते पुलिस ने कप्तान के कहने पर लड़के को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। लड़के की जेल जाने के बाद लड़के के घर वालों ने एक बार फिर समझौते की बात की और लड़की के साथ शादी करने की बात की। दोनों परिवारों में समझौता हुआ, लड़के और लड़की शादी करने को तैयार हो गए। इस पर दोनों में ही कोर्ट में जाकर अपना हलफनामा दाखिल किया और वह आपस में शादी करना चाहते हैं, जिस पर कोर्ट ने लड़के को 4 घंटे की पैरोल दी और कहा कि वह शादी कर अपना प्रूफ कोर्ट में दाखिल करे, जिसके बाद कोर्ट उसे मुकदमे पर अपना फैसला लेगी। फिलहाल संगीनों के साय में हुए इस शादी को देखने के लिए आसपास के लोग भी जमा थे, भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। लड़के के चारों तरफ पुलिस का घेरा था, यहां तक कि जेल का वज्र वाहन भी जो लड़के को लेकर आया था वह भी मौजूद था। लड़के को मंदिर में सजाया संवारा गया, वहीं पर दुल्हन को भी सवार दिया गया। इस अनोखी शादी को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और शादी होने के बाद दोनों को आशीर्वाद दिया गया। क्या ये पूरा मामला है? आप यहाँ पीलीभीत के रहने वाले हैं, पुलिस और रक्षा में आप दोनों लोगों की शादी हो रही है, ये जेल से आए हैं। अब पारिवारिक थोड़ी सी अनबन की थी, इस वजह से हम लोगों का रिश्ता टूट गया था। अब सब कुछ तो जो इनके ऊपर मुकदमा है, क्या वापस लेंगे? हाँ, वापस लेंगे, शादी हो चुकी है। आजकल यहाँ पुलिस अभिरक्षा में शादी हो रही है, क्या मामला? हमने एक हरिओम राजपूत नाम का एक लड़का है, उसने मुझसे, मैं कॉलेज से निकल रहा था, उसके बाद में सारी बातें कही, कहने के बाद में ये रिश्ता भी बना। बोलो 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 बोलो। रिश्ते में जो थोड़ी सी दरार आ गई, उसके बाद में अभी सब कुछ सही है और हम लोग शादी करा रहे हैं। कुछ और कहना चाह रहे हो? नहीं, तुम कह रहे थे भी जो कहेंगे सच कहेंगे। हाँ, तो यही तो सच्चाई थी। तो फिर जब तुम लोगों का रिश्ता तय हो गया, फिर क्यों इस तरीके की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग है दूर हो गई?